इंशाल्लाह ये क्लास में हम फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे। देखिए कॉम्पोजिट फंक्शंस बोलते हैं इसको, दो मिला के हैं तो कॉम्पोजिट, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको, जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला रहेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी सर्किल निकाल डालना निकाल के ब्रैकेट, वैसे एफ सर्किल जी ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ ये सर्किल निकाल डालना जी ऑफ एक्स। सपोज ऐसा क्या समझो, एफ सर्किल जी ऑफ टू, तो क्या लिखेंगे हम एफ ऑफ जी ऑफ, पहले ब्रैकेट का ये सॉल्व करते हैं बाद में इधर आता, पहले हमेशा ये ब्रैकेट, ये फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन लगता है, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगर ऐसा आ गया समझो जी सर्किल एफ ऑफ थ्री, तो कैसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, ठीक है। तो पहले ये अंदर सॉल्व करते फिर बाहर सॉल्व करते, तो इस पर हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, f of x is 3x minus 1, g of x is x square plus 1, find, first question देखिए f सर्किल g of, तो अभी समझाना है इसको कैसे लिखेंगे हम, f of g of 2, अब अंदर सॉल्व करना है, g of x में x के बजाय 2 लिख देना, g of x में x के बजाय 2, यानी तो यहाँ पे बाजू लिख के बता देंगे हम, g of x क्या है हमारे पास x square plus 1, हमको मालूम करना है g of 2, यानी x के पे क्या है 2, इसलिए यहाँ पे भी x के पे 2 लिख डालो, टू स्क्वायर प्लस वन, टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन इज फाइव, तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ टू की जगह पे फाइव, अब एफ ऑफ फाइव हम करना है यानी एफ के फंक्शन में एक्स के बजाय फाइव, एफ के फंक्शन में एक्स के बजाय फाइव, यहाँ पे बताऊँगा एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास थ्री एक्स माइनस वन, तो एफ ऑफ फाइव यानी क्या बोले सर एक्स की जगह पे फाइव, थ्री इंटू फाइव माइनस वन, यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे, थ्री इंटू फाइव माइनस वन, थ्री फाइव सर फिफ्टीन माइनस वन इज फोर्टीन। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सेकेंड बिट, सेकेंड बिट क्या पूछ रहा देखिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी समझाया था ना मैं, हम कैसे करेंगे इसको, हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सर्किल निकाल डालो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब क्या करेंगे हम अंदर का फंक्शन सॉल्व करना ना एफ ऑफ, इसलिए आप बाजू लिख लो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है थ्री एक्स माइनस वन, अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वन जो थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब फिर क्या करना है एफ के फंक्शन में क्या मालूम करना है अपने को, एफ ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स के बजाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, कैसे है अपने को क्या मालूम करना है, एफ ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू यानी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे थ्री इंटू एक्स के पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू फिर माइनस वन, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे थ्री इंटू एक्स, एक्स की जगह पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू फिर माइनस वन, मल्टीप्लाई कर लो थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये हो गया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस वन इज़ फाइव, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस वन इज़ फाइव, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, और एक क्वेश्चन है ना अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है जी सर्किल एफ ऑफ टू ए माइनस थ्री, तो इसको लिख डालेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ टू ए माइनस थ्री, अब बोलिए क्या करेंगे हम एफ के फंक्शन में, एफ का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है अपने पास थ्री एक्स माइनस वन, अपने को मालूम करना है एफ ऑफ टू ए माइनस थ्री, तो एक देंगे थ्री इंटू एक्स की जगह पे टू ए माइनस थ्री फिर माइनस वन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे सीधा, एक मिनट देखिए कैसे लिखेंगे बोलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स ए, थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन, तो ये आ जाएगा जी ऑफ सिक्स ए माइनस टेन, जी ऑफ सिक्स ए माइनस टेन, एफ ऑफ टू ए माइनस थ्री क्या आ गया थ्री टू ज़ा सिक्स ए माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन, अब जी के फंक्शन में एक्स के बजाय एक डालना, जी का फंक्शन क्या है यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखिए जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है अपने को सिक्स ए माइनस, सिक्स ए माइनस टेन स्क्वायर ना स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन, अब इसको एक्सपैंड कर लो ए प्लस बी हो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ने सिक्स स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करना सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स फिर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टेन ज़ा वन ट्वेंटी होता है वन ट्वेंटी ए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर इज हंड्रेड ए माइनस बी हो स्क्वायर ए स्क्वायर ने
सिक्स स्क्वायर हो गया 36 ए स्क्वायर, 2 ए बी, 2 6 12 10 सा 120 ए प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वन है ना, ये प्लस वन। अब लास्ट स्टेप क्या आएगा, 36 ए स्क्वायर माइनस 120 ए, 100 प्लस वन 101। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एफ ऑफ कितने, पांच देंगे, एक दो तीन चार पांच, कभी क्वेश्चन में तीन भी पूछ सकता है, चार भी पूछ सकता है, जिस लाइन से पूछा उस लाइन से करना। तो एक साथ देखेंगे, पहले दो सॉल्व करेंगे, फिर तीन सॉल्व करेंगे, फिर चार, फिर पांच। तो सबसे पहले दो सॉल्व कर लो, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, इसको कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको कैसे लिखना, देखिए एफ ऑफ, ये बाहर का एफ ऑफ, अंदर का एफ ऑफ एक्स यहाँ पर रख डालो, अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। फिर एक बार देखो क्या कर रहे हैं हम, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो वहाँ डालो। अब क्या मालूम करना है अपने को, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स है ना, एक्स माइनस वन। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए और से यहाँ बाजू लिख डालो पहले, एफ ऑफ एक्स साइड में कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स है अपने पास एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, और हम क्या मालूम करेंगे अपन, अब एफ ऑफ क्या ऑन करना है अपने को, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। तो क्या करना, एक्स की जगह पे क्या लिख डालना, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे डालना एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन है ना, प्लस वन डिवाइड बाई, फिर एक्स है तो एक्स के पे क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन है ना, माइनस वन। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब वैसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा, कैसे आएंगे देखो, डिनोमेटर में डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम ले लो एक्स माइनस वन, तो कैसे आएंगे देखो, ये एक्स प्लस वन एज इट इज, एक्स प्लस वन ये इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस कैंसिल, वन वन कैंसिल, एक्स प्लस एक्स हो गया टू एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वन प्लस वन टू, टू टू कैंसिल, तो दे फोर एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स, तो दे फोर एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स। अब दो हो गए ना, अब तीन मान करना, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, अपन ये दो मान के लिए ना इसको ऐसे निकालो, ये सर्किल निकाल डालो, ये दो मान के लिए ना, ये दो को ऐसे ऐसे डालो, ये सर्किल निकाल डालो, तो ये होगा एफ ऑफ एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, ये बाहर का एफ एज इट इज, ये एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स आ गया ना, ये हो गया एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम है हमको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो ये तीन का आ गया अपने को एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स। जब तीन आ गए तो चार ले लेना, एफ एक दो तीन चार, तो अपन तीन मान के लिए ना, ये तीन को चेंज मत करो, खाली ये सर्किल निकाल दो, तो इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ, ये चार एज इट इज, ये तीन एज इट इज एफ ऑफ एक्स, क्यों लिखे ऐसा, एफ ऑफ एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स माउंट के लिए हम, ये आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। अच्छा इसे ये भी माउंट करना यही है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन माउंट के लिए, तो ये हो गया एक्स, तो चार हो गया ना, एक दो तीन चार पाँच, तो अब एक बचे हुआ है पाँच का ले लेंगे हम, ठीक है। अब क्या आएंगे वालों, एक दो तीन चार पाँच, अब ये पाँच में से ये चार ऐसे रख डालो, एफ ऑफ वन टू थ्री फोर ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे को एक्स है, ये बाहर का एफ एज इट इज रख डालो, इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, ऊपर लिखे हुआ है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो एग्जाम में कभी तीन पूछता, कभी चार, कभी पाँच पूछता, तो इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू फाइंड एफ सर्किल जी सर्किल एच ऑफ एक्स। एक काम करेंगे, पहले ये दो मान के लिए, तीन एक साथ भी कर सकते, मैं ऐसा करूँ पहले जी सर्किल एच ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो क्या है अपने पास एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स, तो जी ऑफ पहले अंदर सॉल्व करते हैं हमेशा, एच ऑफ एक्स इज टू एक्स। अब क्या करना, जी के फंक्शन में एक्स के बजाय टू एक्स लिखना, जी के फंक्शन में एक्स के बजाय टू एक्स, ये एक्स है ना, तो जी के फंक्शन में एक्स के बजाय क्या लिखना, टू एक्स स्क्वायर ना, होल स्क्वायर डालो, तो ये जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर, फिर एक्स स्क्वायर। अब तीन ले लो, एफ सर्किल जी सर्किल एच ऑफ एक्स, हम ये दो मान के ना, अभी इसको दो को चेंज मत करो, ये सर्किल निकाल के ब्रैकेट डालो, एफ ऑफ इसको ऐसे डालो जी सर्किल एच ऑफ एक्स, तो क्या आएगा एफ ऑफ
जी सर्किल एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4x2। अब क्या करना है अपन, देखो एक समझाऊंगा मैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो एफ ऑफ 4x2 मान के ना यहाँ पे एक्स आई ने ना सब्सिट्यूट करने, तो जो वैल्यू है वो एक डालने, कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, एक्स आई ने वेरिएबल है ही नहीं, तो एक्स की यहाँ पे कोई रखो ये 2 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स आई ने सब्सिट्यूट करने, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू फाइंड जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, एक क्या देख करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कहाँ से सॉल्व करते हैं, अंदर एफ ऑफ एक्स डालना, जी ऐसे डालो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x-1 एफ ऑफ एक्स के भी। अब क्या मालूम करना है अपने को, जी ऑफ 4x-1 यानी जी के फंक्शन में एक्स की बजाय क्या लिखना हम, 4x-1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू जी का फंक्शन क्या, x2+2, तो जी ऑफ 4x-1 यानी ये जी के फंक्शन में एक्स के बजाय 4x-1, तो 4x-1 स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर डालो फिर +2, जी ऑफ 4x-1 मीन्स जी ऑफ एक्स में एक्स की बजाय 4x-1। अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का था, ए स्क्वायर 4 स्क्वायर आता 16x2 माइनस 2ab, 2 4 8 इंटू 1 8x आता, प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर बनी होता, प्लस 2b है ना यहाँ पे ये 2। अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखिए, 16x2 माइनस 8x, 1+2 हो जाएगा 3, 1+2 हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट सेकेंड बिट, सेकेंड बिट क्या है आपके पास, देखिए सेकेंड बिट है यहाँ पे है ना, जी सर्किल एफ ऑफ ए प्लस 1/2, कैसे लिखें इसको, जी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1/2। तो क्या करना है अपने को, अपने को देखो और से सुनिए, एफ के फंक्शन में एक्स के बजाय ए प्लस 1/2, ये जी ऐसे सीख लो। अब एफ के फंक्शन में एक्स के बजाय ए प्लस 1/2, एफ के फंक्शन में 4 × x के बजाय ए प्लस 1/2-1, 4 × x के बजाय ए प्लस 1/2-1, ये कैंसिल होता है, 2 1s are 2 2s are, थोड़ा सॉल्व कर लो उसको, जी ऑफ 2 × a आता 2a प्लस 2 1s are 2, फिर -1, 2 1s 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया जी ऑफ 2a+1। अब जी का फंक्शन सॉल्व करेंगे, जी के फंक्शन में एक्स के बजाय 2a+1, यहाँ पे जी का फंक्शन है, तो जी के फंक्शन में एक्स के बजाय क्या लिखेंगे हम, 2a+1, तो 2a+1 जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर फिर +2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ए प्लस बी हो स्क्वायर, ए स्क्वायर ने 2 स्क्वायर 4 आता, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1s are 2, 2 2s are 4a, प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर 1+2, 1+2 3 लिख डालो, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4a+3। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए अपने। अब थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, ये एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या अपने पास, 4x-1, तो एक्स एफ ऑफ एक्स डालेंगे हम, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज 4x-1। अब क्या मालूम करना है अपने को, एफ ऑफ 4x-1 यानी एक्स के बजाय 4 × x के बजाय 4x-1 फिर -1, तो यहाँ लिख के सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है ना, क्या है अपने पास, 4 × 4x-1 फिर -1, 4 4s are 16x हो गया, 4 1s are 4 -4 -1 -5, तो ये भी आ गया अपने को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जी सर्किल एफ सर्किल एफ ऑफ 0। ठीक है ना, तो मैं भी समझाया था ना, पहले हम ब्रैकेट का मालूम कर लेंगे, अंदर का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या मालूम करेंगे, पहले जी एफ सर्किल एफ ऑफ 0, ये होएगा एफ ऑफ ज़ीरो यानी एक्स के पे 0, तो 4 × 0 आता है, एफ ऑफ 4 × 0-1, एफ ऑफ 4 0s are 0, 0-1-1, ये हो गया f(-1), फिर f(-1) यानी एक्स के पे -1, 4 × -1-1, -4-1-5 आ गया, -5। अब पूरा ले लो, जी सर्किल एफ ऑफ 0। ठीक है, तो इसको ऐसा डालो, जी ऑफ ये सर्किल निकाल लो, ये अभी मान के हम एफ सर्किल एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा जी ऑफ, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब जी ऑफ -5 मान करना है, जी ऑफ एक्स के अपने पास जी ऑफ एक्स है x2+2, तो एक्स के भी क्या लिखेंगे हम, -5² + 2, तो -5² था 25, 25 + 2 = 27।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो मालूम करना है जी सर्किल एफ ऑफ एक्स, सो दिस विल बिकम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को बदल डालो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, टू एक्स माइनस वन। अब क्या करना, हम जी ऑफ एक्स में एक्स के बजाय टू एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स ये है, इसमें एक्स के बजाय क्या लिखेंगे हम, टू एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन है ना, प्लस वन, फिर बाई टू, इसलिए बाई टू। जी ऑफ टू एक्स माइनस वन मीन्स एक्स की जगह पे टू एक्स माइनस वन जी में, फिर प्लस वन, प्लस वन बाई टू, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये होगा टू एक्स बाई टू, टू को भी कैंसिल होगा, ये बचा एक्स। भाई कंप्लीट पोर्शन के लिए आप लोग को जो है भाई चैनल सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह आप लोग को इसमें से कंप्लीट पोर्शन मिलेगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिए।